तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि जो स्टोरेज टाइप इलेक्ट्रिक गीजर होते हैं वो कैसे कार्य करते हैं, उनके अंदर क्या क्या पार्ट लगा होता है और उन पार्टों का वर्क क्या होता है और वो क्यों लगाए जाते हैं। ठीक है, इसमें हम विस्तृत से बिल्कुल जानकारी आज आपको देंगे कि हाँ स्टोरेज टाइप जो इलेक्ट्रिक गीजर होते हैं उसमें एक एक पार्टों का क्या क्या वर्क होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने स्क्रीन पर बना दिया है और यहाँ पर भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हाँ ये स्टोरेज टाइप इलेक्ट्रिक गीजर होता है। इस गीजर के अंदर क्या क्या लगता है सब कुछ हम विस्तृत से बताएंगे और उसका उपयोग क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर ध्यान से पूरा अगर अंत तक आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप भी जो इलेक्ट्रिक टाइप जो स्टोरेज गीजर होते हैं ना उनकी कार्य प्रणाली बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, यानी उसकी जो प्रक्रिया होती है कि उसमें कार्य करने की जो प्रक्रिया होती है सारे पार्टों को उनको भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, ये हमारा जो होता है ना स्टोरेज टाइप इलेक्ट्रिक गीजर होते हैं। ठीक है, अगर इनकी बात किया जाए तो जो हमारे इलेक्ट्रिक टाइप जो स्टोरेज गीजर होते हैं ना वो 4 लीटर से लेकर के 25 लीटर तक ये हमारे स्टोरेज टाइप जो इलेक्ट्रिक गीजर होते हैं वो यूज किए जाते हैं। यानी इसके अंदर जो सबसे छोटा होता है वो 4 लीटर का होता है या तो फिर 6 लीटर से स्टार्ट होगा और 25 लीटर तक जाएगा। ठीक है, यानी जो सबसे छोटा होता है वो 6 से 25 या 4 भी हो सकता है, यानी इन्हीं के बीच में रहता है जो कि 6 से 25 के बीच में होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि 6 लीटर से लेकर 25 लीटर तक के पानी को गर्म कर सकते हैं। जो सबसे बड़ा वाला आता है वो हमारा 25 लीटर का होता है और जो सबसे छोटा होता है वो 4 या 6 लीटर का होगा। ठीक है, जो कि मार्केट के अंदर उपलब्ध होता है। ठीक है, तो ये हमारे इलेक्ट्रिक गीजर होते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कुछ ऐसा दिखने में आपको लगेगा जो कि स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। तो इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले एक पॉइंट आपको दिख रहा है ना, इसके अंदर कुछ पाइपें वगैरह ऐसे घुमा है, तो सबको हम विस्तृत से बताने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि जो आपका ये जो पानी ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा है ना, जिधर ऐसा कुछ ऐसा निकला हुआ है उसमें भी आप देख रहे होंगे चित्र के अंदर, तो ऐसा जो पॉइंट निकला हुआ है ना इससे हमेशा पानी को इन किया जाता है। यानी कि इन करने का मतलब जो टोटी से पानी अंदर जाता है इससे हो करके अंदर की साइड में निकल जाता है। ठीक है, तो अंदर कुछ कार्य प्रणाली यानी कुछ इसकी क्या है कुछ प्रक्रिया होती है कि यहाँ से जब पानी को हम इन करते हैं तो ये जो अपना हमेशा जो ऐसा जो नट की तरह यानी ऐसा निकला होगा पॉइंट, इससे हमेशा पानी को इन किया जाएगा। ठीक है, और जो सीधे सीधे पाइप होगी यानी जो सीधा पाइप निकला होगा जिसमें कुछ भी नहीं निकला होगा, इससे पानी हमारा क्या होता है आउट होता है। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा, इससे पानी इन होगा और इससे पानी आउट होगा। जो सीधी पाइप होगी जिसमें कुछ भी ऐसा निकला नहीं होगा उससे हम क्या करेंगे कि आउट करेंगे और यहाँ से हमारा इन होगा। ठीक है, जब अंदर की साइड में जाते हैं ना, यानी ये तो बाहर आपको दिखाई देगा, जब अंदर जाएंगे तो यहां से देखेंगे ऐसे पाइप ऐसे अंदर मुड़ी होगी, यानी यहां से पानी जब इन होता है तो यहां से जाकर के नीचे की साइड में गिर जाता है, और यहां से आप देखेंगे तो सीधा पाइप होती है और ये पाइप होती है यहां तक होती है। यानी कि जब इस टैंक के अंदर यहां से जो पानी जाता है ना, ये पूरा टैंक फुल हो जाता है। जब ये पूरा फुल होने के बाद जब ऊपर की साइड में जाता है तब जाकर के यहां से हमारा पानी क्या होता है नीचे की साइड में निकल जाता है, यानी अब जाकर के हमारा पूरा गर्म पानी निकलेगा। यानी कि ये टैंक कभी भी पूरा खाली नहीं होता है, समझ रहे ना, ये टैंक जो हमारा होता है ना ये कभी भी पूरा खाली नहीं होता है। यानी कि हमेशा जो ऊपर वाला जब तक ये जो आउट वाली पाइप होती है जो सीधा लंबी होती है इसके जब ऊपर पानी जाता है तब जाकर के हमारा बाहर की साइड में गर्म पानी निकलता है। ठीक है, तो इसमें यह तो हमारा आउट का हो गया और इसमें आप देखेंगे एलिमेंट्स होता है, देख रहे ना ये जो क्या होता है एलिमेंट्स होता है, यही जो पानी को क्या करता है गर्म करता है इसके अंदर। अगर एलिमेंट्स नहीं होता तो इसके अंदर पानी गर्म नहीं होता। ठीक है, कुछ ऐसे पाइप देखेंगे इसके अंदर कुछ ऐसी पाइपें होती है जो कि इधर से भी बंद होती है और इधर से भी बंद होती है, यानी दो पाइपें यहां पर आपको दिखाई देगी। ये जो पाइपें होती है ना इसके अंदर दो थर्मोस्टेट लगते हैं जो कि एक होता है ऑटो कट थर्मोस्टेट जो कि स्क्रीन को आप ऊपर आपको दिख रहा है और दूसरा होता है रीसेट थर्मोस्टेट होता है, समझ रहे ना, एक ऑटो कट थर्मोस्टेट लगता है दूसरा रीसेट लगता है। तो सबसे पहले मैं ऑटो कट थर्मोस्टेट की बात कर रहा हूं जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है। तो जो हमारा ये ऑटो कट थर्मोस्टेट होता है उसमें आप क्या कर सकते हैं पानी को अपने अनुसार गर्म कर सकते हैं, यानी जितना गर्म पानी चाहिए उतना आप उस पर सेटिंग होता है, पीछे आप देखिए इसके ऊपर एक सेटिंग दिया गया है उससे पानी को सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ऑटो कट थर्मोस्टेट होता है उसमें जो पाइपें होती है ना उसकी जो लंबी सी होती है, यानी उसमें देखेंगे ऑटो कट थर्मोस्टेट में कुछ लंबा ऐसा नुकीला सा निकला होगा, यानी कि ऊपर तक होता है कि जितना आप पानी के टेम्परेचर को सेट करेंगे उतना ही पानी इसके अंदर गर्म होगा और इसके बाद तुरंत वो कट कर देगा। ठीक है, तो इसमें जो ऑटो कट जो थर्मोस्टेट होता है ना उसमें जो हमारा होता है कि 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के देखें
जो अपना होता है ना 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के आप उसमें 75 डिग्री सेल्सियस तक के पानी को क्या कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोकट थर्मोस्टेट की जो क्षमता होती है कि 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 75 डिग्री सेल्सियस तक के पानी को गर्म कर सकता है, जो कि स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो सेटिंग होती है ठंडियों के दिनों में ना, वो 55 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 65 डिग्री सेल्सियस तक होती है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। यानी जब इतना करते हैं तो अपना नहाने के लिए काफी एक कंफर्टेबल तापमान माना जाता है और आसानी से हम क्या करते हैं कि उस पानी का यूज कर सकते हैं। इससे ऊपर का तापमान होगा तो समझिए आपके शरीर को क्या करेगा, नुकसान करेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो ठंडियों के दिनों में जो इसकी सेटिंग की जाती है ना 55 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 65 डिग्री सेल्सियस तक इसकी सेटिंग की जाती है। लेकिन इसकी जो क्षमता होती है, जो ऑटोकट थर्मोस्टेट होता है, उसकी जो गर्म करने की जो क्षमता होती है वो 20 से 75 डिग्री सेल्सियस तक के पानी को गर्म कर सकता है। ठीक है, तो इसका जो काम होता है, जो ऑटोकट थर्मोस्टेट होता है, इस पे हम क्या करते हैं, अपने अनुसार जितना आपको टेम्परेचर रखना है उतना टेम्परेचर रख करके इस गीजर के अंदर आप पानी को गर्म कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा थर्मोस्टेट होता है वो होता है रीसेट थर्मोस्टेट। देखिए, जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है ना, ये हमारा रीसेट थर्मोस्टेट होता है। रीसेट थर्मोस्टेट का काम होता है कि अगर किसी कारण से ऑटोकट थर्मोस्टेट हमारा खराब हो जाए, क्योंकि इसके अंदर जो पानी गर्म हो रहा है तो खतरे का काम हम कर रहे हैं, तो कोई एक थर्मोस्टेट लगाएंगे तो समझिए कि वो आपके लिए काफी खतरनाक होगा। इसीलिए इसमें दो दो थर्मोस्टेट दिया जाता है। पहला जो हमारा होता है ऑटोकट थर्मोस्टेट जो कि लिमिट के हिसाब से होता है, जितना पानी चाहिए उतना ही गर्म करेगा। लेकिन दूसरा हमारा होता है ना 75 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 95 डिग्री सेल्सियस तक के पानी को गर्म कर सकता है। समझ रहे हैं ना, यानी इसकी जो लास्ट क्षमता होती है, जो रीसेट थर्मोस्टेट स्क्रीन के ऊपर आप दिख रहे हैं, इसका जो क्षमता होता है कि 75 डिग्री सेल्सियस से पानी को लेकर के 95 डिग्री सेल्सियस तक के पानी को गर्म कर सकता है। बट सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि ये 95 डिग्री सेल्सियस पानी को जैसे ही गर्म करेगा, इसके ऊपर कुछ सेटिंग नहीं होती है, यानी इसकी लास्ट लिमिट होती है। यानी इस गीजर के अंदर ऑटोकट थर्मोस्टेट खराब हो गया जो आपने सेट किया है, तो इसके अंदर जो लास्ट क्षमता होती है 95 डिग्री सेल्सियस। जो रीसेट थर्मोस्टेट होगा लास्ट उसको 95 उस पानी को 95 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेगा। वैसे इसमें आप देखेंगे रीसेट एक बटन होती है जो कि गोल सो आपको दिखाई दे रही है, ये ऊपर की साइड में आ जाती है और यहां से सप्लाई का हो जाता है कट जाता है। ठीक है ना, वो ऊपर आती है और सप्लाई हमारी कट जाती है और इसके अंदर कोई बड़े हादसे होने के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा रीसेट थर्मोस्टेट होता है उसकी जो क्षमता होती है 95 प्लस डिग्री सेल्सियस, उससे ज्यादा पानी जैसे ही होगा तुरंत रीसेट बटन ऊपर आ जाती है। यानी इस थर्मोस्टेट पे कोई सेटिंग नहीं होती है, वो कंपनी से जो टेम्परेचर होते हैं फिक्स होते हैं, उस पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी उस पे कोई सेटिंग नहीं किया जाता है। लेकिन ऑटोकट थर्मोस्टेट में सेटिंग किया जाता है। लेकिन जब इसका काम जब होता है रीसेट थर्मोस्टेट का, जब हमारा ऑटोकट थर्मोस्टेट किसी कारण से खराब हो गया, तब जाकर के हमारा जो होगा रीसेट थर्मोस्टेट जो कि स्क्रीन पे ऊपर दिख रहा है वो अपना काम करेगा। ठीक है, बट किसी कारण से इलेक्ट्रिक चीज है, कोई गारंटी नहीं है कि ये कब खराब हो जाएगा। दोनों थर्मोस्टेट हमारे खराब हो गए, ठीक है, दोनों थर्मोस्टेट खराब हो गए, तो इसके लिए इसके जो संरचनाएं होती है ना, जहां से पानी इन होता है, अब ऐसे एक नोब निकलता है, पाइप निकलता है, समझ रहे ना, ऐसे आप देखेंगे तो ऐसी पाइप निकली रहेगी जहां से पानी इन होगा, गोल सा होगा, और इसके अंदर देखेंगे स्प्रिंग होता है। ठीक है, उस स्प्रिंग का काम होता है कि जब इसके अंदर पानी आवश्यकता से अधिक गर्म हो जाता है, जब पानी गर्म होगा तो इसके अंदर भाप बनेगी, जब भाप बनेगा तो इसके अंदर गैस बनेगा, तो गैस बनेगा तो जो गीजर होता है फटने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए यहां से क्या होता है कि स्प्रिंग जो कंपनी की सेटिंग के हिसाब से होती है, वो स्प्रिंग जब बहुत ज्यादा पानी गर्म होता है तो यहां से क्या होता है कि दब जाती है और यहां से जितना भी इसके अंदर गैस बना हुआ है सब फुहारा की तरह यहां निकल जाएगी और बड़े हादसे होने से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। ठीक है ना, और इसके बाद आप देखेंगे तो ये भी एक प्रकार का सेफ्टी वाल्व होता है, और दूसरा भी आप देख रहे हैं ये भी एक सेफ्टी वाल्व होता है जो कि एक रबड़ की पाइप होती है जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये रबड़ की पाइप होती है, इसके अंदर एक धातु बना होता है, उस धातु का काम होता है कि जैसे ही आपके
गीजर के अंदर का तापमान 95 प्लस डिग्री सेल्सियस हो गया, कितना हो गया 95 प्लस, यानी जो ऑटो कट थर्मोस्टेट था जो रीसेट थर्मोस्टेट था दोनों खराब हो गए, अब तो पानी इसके अंदर गर्म होगा। लेकिन यहां से जो आप सेफ्टी वाल्व पहला आपने दिखाया ना, यहां से पूरी भाप तो निकल रही है लेकिन जितने चाहिए उतना निकल नहीं रही है और पानी इसमें लगातार गर्म होता जा रहा है। भाप तो निकल रही है लेकिन पानी क्या हो रहा है, गर्म होता जा रहा है। जब पानी लगातार गर्म होगा भले भाप न बने तो इसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा बनेंगे, पानी पूरा खौलने लगेगा। जब पानी खौलने लगेगा तो इसके अंदर दूसरा सेफ्टी वाल्व लगता है, ऐसा पाइप होता है, इसके अंदर एक ऐसा गलनांक होता है कि वो जैसे ही 95 प्लस डिग्री सेल्सियस इसके अंदर तापमान होंगे ये पूरा क्या हो जाता है, गल जाता है, ऑटोमेटिक तरीके से पिघल जाता है और यहां से पूरा स्टोरेज के अंदर जितने भी पानी होते हैं सब बाहर के साइड में गिर जाता है और इसके अंदर कोई बड़े हादसे होने के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, अगर ये आपको सेफ्टी वाल्व अगर नहीं निकलता तो इसके अंदर पक्का है कि कोई विस्फोट होता और घर के अंदर बड़े हादसे हो जाते हैं। ठीक है, इसके लिए आप यहाँ पर देखेंगे कि दो दो सेफ्टी वाल्व लगा के रखा है, अगर ये ज्यादा काम नहीं करेगा तो दूसरा होगा तो 100% गल जाएगा और यहाँ से पानी हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रिक के दो आपने सेफ्टी जो सेफ्टी लगाया है जो थर्मोस्टेट लगा है अगर वो काम नहीं करते हैं जो कि इसमें और इसमें डाले जाते हैं, अगर वो काम नहीं करते हैं तो आपका जो होगा कि दो और सेफ्टी वाल्व लगाए मैकेनिकल के अंदर, तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों के अंदर इसमें सुरक्षा दी जाती है कि अगर किसी कारण से इलेक्ट्रिकल हमारा खराब हो गया तो मैकेनिकल इसके अंदर अपना वर्क करेगा और उसमें क्या होगा, बड़े हादसे होने के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, और दो तो इंडिकेटर होते हैं, यहां पर आप देख रहे हैं एक इंडिकेटर तो इसके अंदर लाइट है कि नहीं उसको संकेत करता है और दूसरा जो इंडिकेटर होता है वो पानी गर्म हो रहा है कि नहीं उसको संकेत करता है, क्योंकि जो एलिमेंट्स होता है ना, ये जो एलिमेंट्स होता है यही जो एलिमेंट्स आप दिख रहे हैं कि यही पानी को अंदर की साइड में गर्म करता है। ठीक है, तो देख रहे हैं कि जो स्टोरेज टाइप इलेक्ट्रिक गीजर होते हैं उनकी कार्य प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे वर्क करते हैं, अंदरूनी संरचनाएं कैसे होती हैं, उन्हें पार्ट क्या क्या होते हैं, उनका वर्क क्या क्या होता है, वो पार्ट क्यों लगाए जाते हैं, सबको हमें उम्मीद है कि आपने ध्यान से क्या समझा होगा तो बड़ी ही आसानी से समझ गए होंगे और आप भी जान गए होंगे कि हाँ इलेक्ट्रिक टाइप स्टोर गीजर के अंदर की कार्य प्रक्रिया क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन से पार्टों का क्या क्या रोल होता है और क्यों लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से आपने देखा होगा तो बड़ी आसानी से आप इसको समझ गए होंगे। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।